राधा नाचे रे, श्याम संग
हतवर ना कर नंदलाल रे जी रे, हतवर ना कर नंदलाल रे जी रे, हतवर ना कर नंदलाल। हे राधा रमणा राय रूपाणा खेल छवीला छो गाणा, हे शंकर दुर्लभ दर्श दीदारा भव जड़ भयने हर नारा, रे भाई भव जड़ भयने हर नारा। हे जीरे हरिपाला मन माणी तमें नट कट भारी, नचे 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 हरि बाहरी तमारी प्रीत रूपाड़ी बिसरी गया थो बनवाणी, रे भाई बिसरी गया थो बनवाणी, रे भाई बिसरी गया थो बनवाणी। हरे गोकुल में देखो श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। अरे गोकुल में देखो, हाँ गोकुल में देखो, सावन में देखो रे बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हे नखरे 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 राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हे गिरे हे गिरे बिपद बिसाला दीन दयाला नंदलाला, रे भाई दीन दयाला नंदलाला, रे भाई दीन दयाला नंदलाला। आए नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसी वाला बनवारी, जानन सुधिकारी मित्र मुरारी गोकुल में देखो, देखो रे देखो रे देखो वृंदावन में देखो, देखो रे देखो रे देखो वल्ल
खुशी बाजे रे श्याम संग संग राधा नाच रे घन श्याम संग राधा नाच रे यमुना के तट पे नंद को लाला आनंद रास रचायो है खुद भगवन नाचे ताता ताथैया सारे जग को भी संग नचायो है सारे जग को भी संग नचायो है रास बिहारी भगवान की ईश्वर महादेव की श्री गोपेश्वर भगवान की नारायण भगवान का महाराज पूर्ण उसके बाद हुई नौका विहार हाँ और नौका विहार में भी यहां दो लीला तो लीला के रूप में हुई है और एक लीला शास्त्र चर्चा के रूप में हुई है शास्त्र चर्चा पहले हो गई रास बाद में हुआ शास्त्र चिंतन करने पर बुद्धि हो गई विशुद्ध अब उसमें किंचित मात्र भी गंदगी नहीं रह गई और उसके बाद रास में प्रवेश किया है नारायण उसके पश्चात में भगवान ने ब्रज में सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार किया राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया कि भगवान ने महाराज क्यों किया इसका उत्तर भी दे दिया वैसे राजा परीक्षित को संदेह नहीं है लेकिन इसलिए प्रश्न कर दिया कि आगे आने वाले समय में लोग भगवान के महाराज से अपनी अगर तुलना करने लग जाएं और इस प्रकार क्रीड़ा करने लग जाएं और उदाहरण में श्री कृष्ण का नाम कहने लग जाएं तो बड़ा अनुचित होगा और आज आज करने वाले नास्तिक प्रवृत्ति के लोग कई कई स्त्रियों के साथ में और इस प्रकार की क्रिया करने वाले लोग उदाहरण में अपने आप को कृष्ण और उन सबको गोपांगनाओं का दर्जा देते हैं एक बात याद रखें भगवान श्री कृष्ण ने ये महाराज किया उनका तो बाल भी बांका नहीं होगा लेकिन अगर मनुष्य भगवान से अपनी तुलना करोगे तो पतन हो जाएगा संभालने वाला भी कोई नहीं बचेगा याद रखना ईश्वर से कभी अपनी तुलना ना करो वो भगवान है हम भगवान नहीं है हर किसी की सामर्थ्य है आज अगर खली को देख करके WWF के पहलवान को देख करके और कोई नव सिखिया पहलवान कहे मैं भी खली हूं लड़ूंगा जाकर के मैदान में और कूद पड़े तो बच के आएगा जब एक साधारण बलि से अपनी तुलना करने पर और उस जैसी क्रियाएं करोगे तो भी बच नहीं पाओगे तो जो बलियों में भी बलि है महाबली है उस भगवान जिसकी बल की सीमा अनंत है जिसकी बल को तोला नहीं जा सकता नापा नहीं जा सकता उससे अपनी तुलना करने लग जाओगे तो कहां जाओगे इसलिए भगवान से कभी तुलना ना करो ये महाराज जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है जीव और ईश का मिलन यह हाड़ मास की कोई भी गोपी नहीं है मैं आपको बता देना चाहूंगा हाड़ मास की एक भी गोपी नहीं है जितने लोग हैं घर में जितने आदमी हैं जिनका विवाह हो गया है हर कोई क्या देख रहा है जानते हो मेरी पत्नी मेरे बगल में सो रही है भागवत में स्पष्ट है मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारा व्रजौकसः हर कोई अपनी पत्नी को अपने बगल में देख रहा है इसका मतलब हाड़ मास की तो कोई गई नहीं थी वो कौन थी
महाराज के समय उसी समय प्रकट हुई हैं। ऋषि मुनि महात्मा दंडकानंद मन के वो ऋषि मुनि महात्मा ही गोपी भाव से प्रकट हुए। हाड़ मास की कोई नहीं है। इस प्रसंग को जो सुनता है उसके हृदय का काम निवृत्त हो जाता है। तो विचार करो ये कामलीला कैसे हो सकती है, जिसको केवल सुनने मात्र से हृदय का काम समाप्त हो जाए। विक्रीडितम व्रज वधु हिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुयादत वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामम। भक्ति तो प्राप्त हो जाती है, प्रेम तो प्राप्त हो जाता है, और काम हृदय रोग माश पहिनो त्यचिरेण धीर। हृदय का काम विकार दूर हो जाता है। जिसको सुनकर के काम भाग जाता हो क्या वो कामलीला हो सकती है? नारायण उसके पश्चात में गोपांगनाओं के द्वारा युगल गीत का गायन है। ये युगल गीत किसे कहते हैं? जब भगवान वन में गौ चराने चले जाते थे तब उस समय पर गोपांगनाएं कृष्ण की चर्चा किया करती थी, गीत गाया करती थी उनके लिए। इनका समय व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाता था। इनका एक एक क्षण कृष्ण चिंतन में, कृष्ण स्मरण में, कृष्ण मनन में जाता था। बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्गितब्दुरदार्पितबेणुं कोमलांगुल विराशत मार्गं गोप्य ही रहती यत्र मुकुंदः। इनका एक 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 गीत गाते हैं। हम अकेले बैठे, देखो एक बात बता रहा हूं, आप दुनिया के आगे क्या करते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है। दुनिया के आगे आप बहुत बड़े भगत दिख रहे हो, दुनिया के आगे आप बहुत बड़े भगत दिख रहे हो, वाह 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 कितने बड़े भक्त हैं। लेकिन एक बात कह दूं, रघुनंदन राम के बाण बनकर जब हनुमान लंका में गए हैं तो रात्रि के अंधकार में गए, अंदर, दिन के उजाले में नहीं गए, रात के अंधेरे में अंदर गए। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि दिन में खोजना चाहिए था, रात को क्यों गए? हनुमान जी कहते हैं कि अगर दिन में जाता तो रावण मुझे अभिषेक करता हुआ मिलता शंकर जी का, और मैं क्या देखता, ओहो बड़ा भगत है ये तो। दिन में तो रावण अभिषेक करता हुआ मिलता, तो दिन के उजाले में दुनिया को दिखाने के लिए कोई कितनी भी बड़ी भक्ति कर ले वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन एकांत में रावण क्या करता है वो देखना जरूरी है। कारण परम पूज्य संत श्री डोंगरी जी महाराज कहा करते थे कि जिसका एकांत सुधर गया उसका सब कुछ सुधर गया, और जिसका एकांत बिगड़ गया उसका सब कुछ बिगड़ गया। इसलिए भैया अपने एकांत को संवारो, दुनिया के आगे दिखाओ कि हम तो बहुत बढ़िया हैं। रात के अंधेरे में क्या कर रहे हो? अगर रात के अंधेरे में आप गलत काम कर रहे हो तो आप सच्चे भक्त नहीं हो सकते। इसीलिए गोपांगनाओं का तो पल पल क्षण क्षण केवल कृष्ण चर्चा में जाता था, संसार की इधर उधर की कोई वार्तालाप नहीं। वाणी से, मन से, इस गीत का नाम है युगल गीत। और उसके बाद में महाराज भगवान के केशी और व्योमासुर नाम करके दो दैत्य आए, भगवान ने इनका वध किया, इनका उद्धार किया। अरिष्टासुर नाम करके एक बैल बनकर आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। और अब कंस बड़ा चिंतित बैठा है। कंस, नारद जी महाराज का आगमन होता है, कंस प्रणाम करता है। नारद जी कहते हैं कंस इतना चिंतित क्यों है, क्या बात है? बोले भगवान क्या बताऊं, ब्रज में दो ग्वाले हैं कृष्ण और बलराम, मेरे राक्षस जाते हैं उनको मार डालते हैं, ये कौन है ये जानते हो? बोले कोई ब्रज के ग्वाले हैं इतना पता लगा है। बोले ब्रज के ग्वाले नहीं है। बोले फिर? कि वसुदेव के ही पुत्र हैं। महाराज वसुदेव के कौन सी रानी से? बोले देवकी से। सातवां गर्भ जिसको गिरा हुआ समझा था वो गिरा नहीं था, रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचा दिया था, और आठवें गर्भ के रूप में वो छुटका है।
हाँ, वो तो आठवीं कन्या थी, कन्या नहीं थी, छोरा था, छोरी हो गई, उधर से लाए इधर से गए, इतना बड़ा छल मेरे साथ में। नौकरों, महाराज वसुदेव और देवकी को जेल में बंद कर दो। नारायण नारायण। नारद जी ने कहा, अब बता कृष्ण बलराम कौन लगे तेरे रिश्ते में? बोले मेरे भांजे लगे। अब तो मुझे डर लग रहा है, मेरी मृत्यु फिर तो पैदा हो गई, बड़ी भी हो रही है, 11.5 वर्ष के भगवान हो गए। कंस से नारद जी बोलते हैं, तेरे भांजे लगते हैं, कभी हींग की कचौड़ी खिलवाने बुलवा ले अपने पास। जयपुर की हींग की कचौड़ी बड़ी प्रसिद्ध है महाराज, बड़ी प्रसिद्ध, हमने भी आधी तो खाई है महाराज, बड़ी गजब है। अगर इस शरीर को संभालने का ध्यान नहीं होता तो कम से कम 2 तो खाई जाते हैं, गजब कचौड़ी महाराज। कहा के भांजे लगते हैं तो कभी लड्डू कचौड़ी खिलवाने तो बुलवाए ले। अरे महाराज अपने काल को यहां बुलाऊं? बोले अरे बाबरे, यहां पर आएगा तो कृष्ण कमजोर हो जाएगा, हर किसी की शक्ति अपने क्षेत्र में काम करती है, दूसरे के क्षेत्र में नहीं करती, तो कैसे बुलाऊं? बोले अक्रूर चाचा लगते हैं कृष्ण बलराम के, अक्रूर को भेज और बुलवा ले। नारद जी कहकर चलने लगे। कंस ने कहा, गुरु जी भूलने लग जाऊं तो समझाने आ जाना, आपके अलावा मेरा दुनिया में है कौन? बोले कंस चिंता मत कर, तेरा पूरा ही कल्याण कर दूंगा, जब तक कल्याण नहीं करूंगा जब तक चैन से बैठूंगा नहीं, ये जाने नहीं कि जीने में कि मरने में कल्याण। अब तो इधर अक्रूर जा रहे हैं, नारद जी ने सूचना दी, बोली नंदनंदन भगवान की जय। आओ भैया। नारद कैसे आना हुआ? बोले प्रभु अक्रूर आपको लेने के लिए आएंगे, पापी कंस के मरने का समय हो गया है, आप जरूर चले जाना। बोले चिंता मत करो, जाएंगे, हम भी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। अब तो महाराज अक्रूर को कहा कंस ने, कृष्ण बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, उनको यहां लेकर के आओ, यहां पर हम मरवा देंगे। धनुष यज्ञ का मेला कर रहे हैं, बच्चों को मेला देखना बहुत पसंद है, कम से कम मेला देखने के बहाने यहां पर आएंगे, तो यहां आते ही हम मरवा देंगे। अक्रूर मन में सोचे कि पापी व्यक्ति क्या क्या नहीं सोचता है, सर्प बिल के अंदर बैठा है, सोचता है बाहर निकलते ही किसी को डंक मारूंगा, और जैसे निकला लोगों ने लठ मार के ही सर फोड़ दिया। आशा कभी बंदे की हो दिया न पूरिया, भटकदा भदेरा किंतु रह दिया अधूरिया। पंजाब में एक पद है, आशा बंदे की पूरी नहीं होती, हमेशा अधूरी ही रहती है। इच्छाएं व्यक्ति की पूरी हो नहीं सकती और जरूरतें कभी अधूरी रह नहीं सकती, दोनों बात है। इच्छाएं कभी पूरी हो नहीं सकती और जरूरतें कभी अधूरी रह नहीं सकती, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं और जरूरतों का अंत है। नारायण अक्रूर जाते हैं, पूरी रात रथ को सजाया, कल इसमें नंदनंदन बैठकर आएंगे। बड़े बड़े योगी अमलात्मा बिमलात्मा जिनके चरणों का ध्यान करते हैं लेकिन दर्शन नहीं हो पाते, आज अपने इन्हीं नेत्रों से उनके चरण कमल का ही नहीं उनका संपूर्ण दर्शन करने का लाभ मुझको प्राप्त होगा। रथ लेकर के चलते हैं, कंस का धन्यवाद देते हैं। कंसो बता दिया कृतमित अनुग्रहम रक्षेन्द्री पद्मम प्रहितो मुनाहरे, रक्षेन्द्री पद्मम प्रहितो मुनाहरे। उन्हीं चरण कमल का दर्शन। और महाराज सुबह के चले अक्रूर, शाम को श्रीधाम वृंदावन पहुंचे, रथ से नीचे उतरे, ठाकुर के चरण चिन्ह देखे। अक्रूर ने चरण चिन्ह पे लोट लगाई है, देखो कोई चरण चरण कमल का भक्त होता है, कोई चरणों की रज का भक्त होता है, कोई चरणों की रेखा का भक्त होता है। हाँ, गीधराज जटायु
आगे चला गीज पति देखा सुमिरत राम चरण की रेखा। ये गीधराज जटायु है। गीध अधम खग आमिष भोगी, ये अधम पक्षी माना जाता है। अधम पक्षी माने अगर गीध का दर्शन हो जाए तो अमंगल सूचक है, मांस खाता है। लेकिन रघुनंदन राम की कृपा तो देखो, गीध अधम खग आमिष भोगी गति दीनी जो मांगत जोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। वो पद दे दिया, इनसे बड़ा कृपालु और कौन होगा। पार्वती वो लोग अभागे हैं जो हरि तजी हो ही विषय अनुरागे, जो हरि को छोड़ करके विषयों से प्रेम करते हैं वो लोग अभागे हैं। सुनहू माते जे लोग अभागे, सुनहू माँ जे लोग अभागे हरि तजि हो विषय अनुरागे। और महाराज जैसे ही गायों के रमाने की आवाज कान में सुनाई दी, माँ माँ गोधूली बेला है, गैया दौड़ते हुए आ रही हैं, गायों के चरणों की रज से आकाश में धूल छाई हुई है। जैसे ही धूल भूमि पर गिरी थमी, श्याम वर्ण कृष्ण और गौर वर्ण बलभद्र बलराम का दर्शन हुआ। दौड़ करके चरणों में प्रणाम करी अक्रूर ने, कृष्ण बलराम तुम्हारा काका अक्रूर तुमको प्रणाम करे। अरे काका उल्टी गंगा बहाओ, भतीजे प्रणाम करें चाचा को भी, चाचा प्रणाम करे भतीजे को, हम आपके चरणन में प्रणाम करें। आज दोनों भैयान ने चरणन में प्रणाम करी। महाराज नंद बाबा के यहां पर लेकर के नंदन भवन में लेकर आए, जसोदा बैठी वही थी, बोले मैया मैया, बोले बोलो कन्हैया, मैया देख कौन आयो है। जो देखो है अक्रूर के लिए, अक्रूर ने चरणन में प्रणाम करी, भाभी खुश है गई, आशीर्वाद दियो लाला जी, बड़े दिनन की बात आप आए, हमारी देवरानी ठीक तो है। बोले भाभी आशीर्वाद है आपको। अरे कौन सी बात कर रही है जसोदा, अरे देखो तुम्हारे छोटे भैया आए हैं, जो बुलायो है। महाराज नंद बाबा ने देखो, अरे अक्रूर, अरे भैया आजा आजा, गले लग जा, आजा आजा, छाती लगायो। बोले अक्रूर सब कुशल से तो है। बोले आशीर्वाद है, हम तो ते नाराज हैं अक्रूर। काय बात की नाराजगी, 11.5 साल है गए लाला के जन्म को, तू अभी तक नहीं आयो, आज पहली बार वो भी बहू को लेकर नहीं आयो, अकेले आयो। अच्छा बता, चल छोड़ आने को कारण तो बता, के सब कुशल तो है, कैसे आना हुआ। अक्रूर कहने ही वाले थे, बीच में भगवान कृष्ण आ गए। काका बाबा तू जाके भोजन कर, थके हारे आए, पुलिस वाले की तरह कोतवाल की तरह प्रश्न करना शुरू कर दियो, कैसे आना भयो कहा भय, चाचा थके हारे आए हैं विश्राम करने दे। हाँ 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 ठीक है, स्नान करायो कृष्ण ने, पलंग पर लेटायो, लेकर चरण दावे, जो चरण दावने लगे अक्रूर की आंखें ते आंसू की धार बह गई। बैकुंठ में लक्ष्मी जिनके चरण दाबती है आज वो मेरे चरण दाब रहे। अक्रूर ते भगवान ने कही काका, बोलो कृष्ण। बाबा कह रहे तुम हमारे जन्म ते लेकर अब तक नहीं आए, अब आए हो 11.5 वर्ष बाद, बताओ कैसे आनो भाई। अक्रूर मन में विचार करे कि कह दूंगो झूठ तो ये अंतर्यामी है सब जाने, या तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज मन की बात कह दी, बोले कृष्ण तुम्हारे मामा ने कंस ने मो यहां पर भेजो है तुम्हें बुलवावे के लिए, धनुष यज्ञ को झूठो मिला की हो, मिला को बहानो है वा के लिए, अब बुलायो के लेकर आओ कृष्ण बलराम को, लेकिन वह पापी के मन में तुम्हें मारवे की भावना है, अब तुम जाओ या मत जाओ, मैं तो केवल कहने आया हूं, सेवक को धर्म निभा रहे हूं। ले काका तू बड़ो सीधो है, सेवक को स्वामी की बात को छिपा करके रखना चाहिए, लेकिन तेने अपने मन की बात मोते कह दी। अरे पहली बार हमें बुलायो है तो हम जरूर जाएंगे, मामा ने बुलायो है,
दोनों भैया पलंग पे कूद करके दौड़े दौड़े बाबा की गोद में जाके बैठे हैं, एक गोद में कृष्ण एक गोद में बलराम, सागरायता लेकर के दाढ़ी पे लगा हूं, बाबा 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 नहीं मेरे बाबा। बोले क्या बात है कन्हैया, आज बड़ो प्रसन्न दिख रहे हो। बोले बाबा बड़ी प्रसन्नता की बात है, तू जाने काका क्रूर क्यों आए। बोले क्यों आए। बोले हमारे मामा ने हमको धनुष यज्ञ को मेला देखने के लिए बुलाया, आज जो सुनी है छाती ते लगाए लियो। कन्हैया मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा लाला, मथुरा नहीं जाने दूंगा, तू जाने नहीं, तेरे मामा कितना कठोर है तेरा। अरे अपनी बहन की छे छे बच्चा वहां ने मार दिए नवजात शिशु, बाकी हृदय में दया नाम की वस्तु नहीं। बाबा मेला देख करके लौटाऊंगे, मैं नहीं जाने दूंगा। यशोदा मैया सुन रही, कन्हैया को काय बात की मना कर रहे हो, क्या कह रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो मेरे लाला से। बोले यशोदा चौका में भोजन बनानो, तू जाने कन्हैया क्या कह रहे हो, तू नहीं जाने। बोले क्या कह रहे हो। बोले अक्रूर आए हैं कन्हैया को लिवावे के लिए। क्यों कहां, मथुरा कंस ने बुलायो। यशोदा मूर्छित है करके गिर पड़ी है, आज दौड़ करके कृष्ण बलराम गए हैं, मैया को मस्तक लेकर के कन्हैया ने गोद में रखो, आ जाओ। माथे पे पसीना आए रहे, माथे के पसीना पहुंचे, आंखें नंद तुरंत गई बलराम से, दाऊ दादा। बोले भैया, बोले जल लेकर के आओ, मैया मर जाएगी। जल के छींटे जो उड़ा रहे मैया को, होश आए और छाती ते दूध गिरवे लगो। आज मैया ने छाती कन्हैया को लगायो है, छाती लगा के बोले कन्हैया मैं कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हारे लिए। भगवान बोले मैया मेला देखने की बात है। बोले कन्हैया मैं तोते कह रही हूं नहीं जाना है, मेरी आज्ञा है। बोले मैया तो मेरी सौगंध है, अगर रोको मेरे लिए तो। आज कन्हैया ने अपने सौगंध की बेड़ी में मैया को डाल दिया। महाराज भगवान जावे वारे, ये खबर ब्रज में बन की अग्नि की तरह फैल गई। भगवान उठे, सब लोग नंदाले के लिए उड़ चले, भगवान राधा से मिलने के लिए चले। क्यों, अब जाऊंगो जावे ते पहले एक बार राधा से मिलकर के आना। जो भगवान राधा से मिल भी गए हैं, राधा रानी आज निकुंज के वन में बैठी हुई है। केला का पेड़ है, बाकी नीचे राधा रानी। आज राधा रानी की इतनी गरम गरम श्वास चल रही है कि पेड़ के पत्ता झड़झड़ के नीचे गिर रहे हैं। गरम गरम श्वास है। ललिता दरवाजे पे खड़ी है, भगवान ने कही ललिता राधा कहाँ है। बोले भीतर। जो आज भगवान गए हैं, राधा उठ करके काली साड़ी पहन करके बैठी है। राधा ने कृष्ण को देखकर दोनों हाथ ऊपर कर लिए। भगवान ने जो देखो है राधा के लिए, दोनों हाथ ऊपर किए, एक पग राधा ने आगे बढ़ाया और राधा मूर्छित है करके भूमि पर गिरी है। भगवान दौड़ करके आए, राधा का मस्तक अपनी गोद में रखो। आज राधा ने स्वप्न देखो है, थोड़ी देर बाद होश आयो राधा के लिए। क्या स्वप्न देखो, उठ करके बैठी। बोले कन्हैया मैंने एक स्वप्न देखो अभी। क्या स्वप्न देखो, काले काली पानी को समुद्र है, मैं किनारे पर बैठी रही हूं, एक ब्राह्मण ने आए के मुझे धक्का दे दिया, मैं गिर पड़ी वहां में। क्या को मतलब, अरे याद करो गोलोक की लीला देवी, एक बार तुम दरवाजे पे खड़ी हती, मेरा मित्र मिलवे के लिए आयो है, श्री रामाबा को नाम है, तुमने मिलवे नहीं दियो, तुमने कही कि महाराज अभी विश्राम कर रहे हैं भगवान, वो कई बार कहा लेकिन तुमने माना नहीं, और राधा तुमको शाप दियो वाने श्री रामा। क्या शाप दियो। बोले मेरे मित्र से मुझे मिलने नहीं देती है, तो मैं भी तेरे लिए शाप देता हूं, जैसे मेरा मेरे मित्र से वियोग हो रहा है, धरती पर तुम अवतार लेकर के जाओगे तो तेरा भी कृष्ण से 100 साल का वियोग होगा। 100 साल के वियोग का शाप दिया, और राधे तुमने भी उसके लिए महाराज श्री रामा को राधा का राक्षस होने का शाप लगाया, राधा ने भी शाप दिया है। बिरजा सखी के कारण राधा कृष्ण से रुष्ट हुए, ये सारी कथाएं आती। महाराज उसके बाद में श्री रामा को जो शाप लगा है, तो श्री रामा कौन हुआ है। बोले शाप के कारण यक्ष लोक में सुगन यक्ष के घर में जन्म लिया जाकर, और रास मंडल जब हुआ है रास, तो रास में इसने विघ्न डाला है, भगवान कृष्ण ने इसे समाप्त किया है। आपको बता दो ये पूरी लीला है। आज राधा है, ये वियोग का समुद्र है, कुछ और नहीं, वियोग का समुद्र, मैं पार नहीं कर पा रही। बोले वियोग का समुद्र तुमसे सहजता से पार भी नहीं होगा। ये वियोग का समय कब से प्रारंभ हो रहा है। बोले अभी से, आज से। जो राधा ने सुना, राधा मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ी। खड़े हुए ठाकुर चल पड़े निकुंज के द्वार की ओर,
एक बार राधा को मुड़ करके भी नहीं देखा। लोग कहते हैं कृष्ण कामी है, अरे कृष्ण से बड़ा योगेश्वर कोई नहीं मिलेगा, कृष्ण से बड़ा योगी कोई नहीं मिलेगा। योगों के ईश्वरों के भी ईश्वर है योगेश्वरेश्वर, वो श्री कृष्ण है। महाराज योगेश्वर शंकर है और शंकर का भी जो ईश्वर है वो श्री कृष्ण है, योगेश्वरेश्वर है। आज जो कृष्ण चलने लगे ललिता दरवाजे पर है, ललिता से गई ललिता, बोले कृष्ण, बोले राधा का ध्यान रखना शरीर का, कहकर के कृष्ण चल दिए। रथ पर बैठे आज कृष्ण के जाते में कैसी दशा हो गई सबकी, बोले जैसे प्राणंते शरीर निकलने जा रहे हो वैसी दशा है ये सबकी। दौड़ दौड़ के गोपी आई है, सबने चारों तरफ से घेर लिया है रथ के लिए, हम जाने नहीं देंगे। कन्हैया जा रहे हो तो ये तो बता के जाओ कि तो आओगे कब, ये तो बताओ। भगवान बोले उद्धव कह दो मैं, अक्रूर कह दो मैं नहीं आऊंगा काका, अब मेरा दास आएगा, दूत आएगा। आया से ही दौत्य कही, गोपियां फटकार लगाती हैं अक्रूर के लिए, कोसती हैं विधाता को, लेकिन भैया होनहार बलवान है, जाना यहां पर अब कृष्ण की नियति है, माधुर्य लीला से अब ऐश्वर्य लीला में प्रवेश होने जा रहा है। यशोदा दौड़ करके आई है और महाराज लड्डू मठरी लेकर के और अक्रूर को दिया, बहुत दूर मथुरा है, मेरे कन्हैया को भूख लगे तो खिला देना। नंद बाबा के पास यशोदा आई है, स्वामी स्वामी, बोले यशोदा बोल, बोले आप भी मेरे कन्हैया के साथ चले जाओ, दो दिन चार दिन जितने दिन रह गए साथ रहियो और फिर लौटा के अपने साथ लाइए। नंद बाबा ने कही यशोदा मैं भी सोच रहे हो जावे की, मैं सोच कह रहे हो रथ तैयार करो, कन्हैया अकेले नहीं जावे, रथ पर नंद बाबा बैठे जाए करके। सखान ने कही मैया हम भी जाएं, बोले जब कन्हैया यहां पर नहीं है तो तुम्हारे रहवे को मतलब कहा है, तुम भी जाओ। आज सखा भी रथ पर बैठ गए, यशोदा मैया आई नंद बाबा के पास, कही सुनो स्वामी, बोले बोली यशोदा मेरे कन्हैया को आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ रही, आप पिता लगो वाके बाबा लगो, लेकर के कन्हैया को अपने साथ जा तो रहे हो लेकिन अपने साथ लौटाए के लिए ही हो, और मेरे कन्हैया यदि नहीं आवे तो जीते जी मुझे मोहम्मद दिखाई हो, सौगंध है तुम्हें हमारी। आज ऐसा कौन होगा, ऐसी कौन मां होगी जो बच्चे के प्रेम में अपने पति से कह दे कि जीते जी मोहम्मद दिखाई हो। नंद बाबा की आंखें में आंसू आ गए, यशोदा मैं जानता हूं तेरा कन्हैया से कितना प्रेम। आज भगवान चलने लगे, सखियों को भगवान ने सांत्वना दी। नंद बाबा आज बलराम कहते हैं कन्हैया जाने से पहले एक बार मैया को प्रणाम कर लो। भगवान नीचे उतरे और मैया को प्रणाम किया, करी मां तू प्रणाम चढ़े रथ पे ता छोड़ सबही हरि जावत है, मां तुले राम राम मेरी मैया हम मधुबन को जाए, मां तुले राम राम हम मधुबन को जाए, मां तुले राम राम मोरी मैया हम मधुबन को जाए। धनुष यज्ञ को मावे की
बोले राम राम मोरी मेरी मैया हम मधुबन को जा। गोपिकाएं रोती हैं कन्हैया अब किसके लिए गदीमत खनम करेंगे, किसके लिए माखन निकालेंगी। कभी इंद्र ने फिर से कोप किया तो कन्हैया कौन गिरिराज को अपनी कनिष्ठिका पे उठाएगा, धारण करेगा। आज ऐसे नेत्र हो गए सजल को करी दुख मथानी कही है, को करी दुख मथानी कही है, को दधी माखन कही है, इंद्र परसी है बहुरो इंद्र परसी है ब्रज में, को गिरी नख में नहीं मातुले राम राम मोरी मेरी मैया हम मधुबन को जा। तीर तीर धरनी परत जसुदा अधर भदन लिखानी, सूर सुदशा काल की मरनी दुखित चंद की रानी, जसुदा बार बार जब तक रथ की ध्वजा दिखती रही तब तक सब खड़े रहे, और रथ की ध्वजा आंखें ते ओझल भई कि पछाड़ खा करके ब्रजवासी गोपांगनाएं सब भूमि पर गिरी, रोवे तड़पे कैसे जैसे पानी सूख जावे और मछली तड़पती है। क्या स्थिति हो गई इन गोपांगनाओं की, बोले रथ गयो कन्हैया को दूर रे, रथ गयो सांवरिया को दूर, यदि ऐसी खबर हमें होती हम रथ के नीचे सोती है, जा तो चकना चूर रे, रथ गयो कन्हैया को दूर, रथ गयो सांवरिया को। आज अक्रूर विचार करके जा रहे हैं कि बहुत बड़ा पाप करके मैं जा रहा हूं, ये ब्रह्म हत्या वाला पाप है, एक बच्चे को उसकी मां से अलग करा के ले जा रहा हूं, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। कंस इसे मार डालेगा, कंस के हाथों मृत्यु हो जाएगी, बाल हत्या का पाप और लगेगा मुझे। अब महाराज भगवान ने लीला करी, आत्मग्लानी से बाहर कैसे निकले अक्रूर, कहा काका हमें भूख लग रही है। अक्रूर को तो पहले ही विश्वास नहीं हो पा रहा था कि भगवान है, अब तो और विश्वास कि इंसान ही है। हाँ हाँ कन्हैया बिल्कुल दूध दही माखन मिश्री सब बेड़ा मटरी खाओ, आप यदि आज्ञा करें तो यमुना में स्नान कर लूं। हाँ काका करो। भगवान यमुना में स्नान करने के लिए जैसे ही अक्रूर उतरे रथ पर बैठ करके भगवान मोदक और मटरी खा रहे। मैं जा रहा हूं स्नान, अभी आता हूं। हाँ हाँ जाओ काका जाओ। डुबकी लगाई तो क्या देखें, यमुना के भीतर शेष की शैया पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण माखन मिश्री खा रहे, लड्डू मठरी खा रहे। बाहर निकले तो देखा रथ पर बैठे हैं, फिर भीतर तो फिर अंदर भी कृष्ण, बाहर तो बाहर भी कृष्ण, भीतर बाहर भीतर बाहर। भगवान के काका नहाना है तो नहा और नहीं नहाना तो निकल के आ जा, बार बार भीतर बाहर मत करे, आ जा। अरे कृष्ण मैं पहचान गया, पहचान क्या पहचान गए। अब तक ये सोच के जा रहा था कि यशोदा के लाल को लेकर जा रहा हूं, लेकिन अब विश्वास हो गया, बोले यशोदा के लाल को नहीं कंस के काल को लेकर मथुरा जा रहा हूं। न तो उसमें हम त्वा खिल तुहे तुम नारायण पुरुष माध्यम व्यय व्यय
कियन्ना भिजाता दरविंद कोशा ब्रह्मा विरासी यत एष लोकः। स्तुति करी भगवान की। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत क्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभु। भगवान की स्तुति करिए। महाराज भगवान के यहां पर तीन संबोधन है स्तुति में। पहला संबोधन है वासुदेवाय। वासुदेवाय का मतलब वहां तक थे तो नंद के लाला थे, लेकिन अब आप वासुदेव हो, क्योंकि कंस की मृत्यु तो वसुदेव के पुत्र से होनी है, नंद के पुत्र से नहीं होनी। यहां वासुदेव कहने का अभिप्राय ही यही था कि नंद का लाला तो वहीं रह गया है, मैं वसुदेव के लाला को लेकर जा रहा हूं। जो मैंने पहले दिन कहा था अभी परसों कि चार हाथ का कृष्ण तो मारने चला गया और दो हाथ का कृष्ण वृंदावन में आज भी है। इसलिए यहां संबोधन में कहा नमस्ते वासुदेवाय, हे वसुदेव के पुत्र, ये चार हाथ वाले ऐश्वर्य वाले कृष्ण, वो माधुर्य वाले कृष्ण। और आगे कहा सर्वभूत क्षयाय च, सभी प्राणियों में आप निवास करते हो, सब में रहते हो, पंच महाभूत की जो सृष्टि है उसमें आप हो। और तीसरा ऋषिकेश, इन इंद्रियों के भी मालिक आप ही हो। और मैं कौन हूं, अक्रूर कहते तीन संबोधन तो आपके, वासुदेव आप हो, सर्वभूत क्षयाय आप हो, ऋषिकेश आप हो, और काका अक्रूर आप कौन हो, बोले प्रपन्नम, मैं प्रपन्न हूं। प्रपन्न किसे कहते हैं, मैं शरणागत हूं आपकी, प्रपन्नम पाहि माम प्रभु, मैं आपकी शरणागत हूं। और उसके बाद भगवान आए हैं मथुरा में। अक्रूर ने कहा कृष्ण घर तो चल पड़ो, काकी कह रही थी आवे तो घर पहले लेकर आना, अभी नहीं बाद में, क्यों, अभी कंस की सीसीटीवी कैमरा लगा रखे चारों तरफ यहीं पर, अभी आपके साथ अगर मैं जाऊंगा तो समझ लेंगे मेरी आपकी मिली भगत है, अभी नहीं बाद में। भाव क्या है, कृष्ण जैसा राजनीतिज्ञ नहीं मिलेगा, बाद में आऊंगा, अभी नहीं, मौका देख करके मौका पर चौका लगाऊंगा, अभी नहीं आऊंगा। अपराह्न के समय भगवान मथुरा नगरी का भ्रमण करने चलते हैं, और मथुरा नगरी का भ्रमण करने चले तो भगवान ने धोबी पर कृपा करी, भगवान ने दर्जी पर कृपा करी, भगवान ने माली पर कृपा करी, भगवान ने कुब्जा पर कृपा करी, धोबी को मार करके कृतार्थ किया, और बाकी दर्जी माली इनके हाथों से वस्त्र और माला पहन करके कृतार्थ किया, और कुब्जा के हाथों चंदन अपने माथे पर लगवा करके फिर कृतार्थ किया, दर्जी को मुक्ति दी, माली को भक्ति दी, और कुब्जा को भुक्ति दी, भोग दिया, मुक्ति भक्ति भुक्ति, कुब्जा को भोग दिया। कुब्जा ने यही कहा ना, एक रात मेरी साथ सो जाओ, भगवान ने वो भी ले। सुखदेव जी ने तो फटकार लगाई है कुब्जा के प्रेम को, ये प्रेम नहीं है, ये काम है। जिस परमात्मा से, जिस श्री कृष्ण से तू उनकी भक्ति मांग सकती थी चरण कमल की, तो वो तेरे बंधन में आ जाते, छी छी छी, तूने उनसे भोग मांग लिया। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि जिसने जो मांगा उसको वो दिया, जिसने जो मांगा, और उसको महाराज उसके बाद में भगवान ने पूछा धनुषज्ञ कहां हो रहा है, मीला कहां है धनुषज्ञ का, अब सब बता मैं हूं। भगवान गए, नौकर रोका, एक थप्पड़ कृष्ण ने, एक थप्पड़ बलराम ने, थप्पड़ मार मार के सैनिक गिरा दिए, अंदर गए शिव धनुष को, करेण वामेन सलीलम कृतम, वाम हाथ में जो धनुष उठा है धरती कंपायमान हो गई। भगवान ने सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम,
केवल पलक झपकते झपकते प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, पलक झपकते धनुष के दो टुकड़े हो गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी है, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, वसुदेव देवकी के लाल की, वासुदेव भगवान की। धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खम रोदसी दिशः, दसों दिशाओं में शब्द की गुंजार। अब कंस उठ के बैठ गया, मैं मरने वाला हूं, मेरा काल आ गया, मैं मरने वाला हूं। अरे पहलवान आ गए वहां, महाराज क्यों डरते हो? मेरा काल आ गया यहां पर, मैं मरने वाला हूं। कंस की हालत खराब। पहलवानों ने कहा, महाराज हम पहलवान, अखाड़ा खुदवाओ, अगर हम दो बच्चों को धूल नहीं चटा दी, मतलब हम मारेंगे, कर लो जो कर सकते वो करो, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। कंस की स्थिति ये, अखाड़ा खुद गया, पोस्टर चिपक गए, कृष्ण बलराम का मल्लों के साथ युद्ध। पूछते भगवान गए, हाथी सामने खड़ा मिला, रास्ता मिला नहीं, भगवान ने हटा दिया रास्ते से। राम और कृष्ण में यही अंतर है, राम जी रास्ते से हटाते नहीं है, रास्ता बनाते हैं, और कृष्ण रास्ते से हटाकर रास्ता बनाते हैं। आप राम जी और कृष्ण में अंतर देख लो, समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, समुद्र को मिटाया नहीं, समुद्र पर रास्ता बना दिया, और कृष्ण ने हाथी बचाया नहीं, हाथी मिटा ही दिया, और फिर रास्ता अपने आप साफ हो गया। कृष्ण और राम में, कृष्ण राम जी बड़े सीधे साधे, राम जी कहते मारा मारी का काम नहीं करते, समुद्र पहले तो क्रोध किया, नकली क्रोध किया, समुद्र डर जाए इसलिए आ गया। समुद्र को चाहते तो एक बार में सुखा देते, तीन दिन का समय भी नहीं चाहिए, पल भर का समय, संकल्प से सूख जाता। लेकिन भगवान ने समुद्र को मिटाया नहीं, उस पर रास्ता बनाया, और कृष्ण ने मिटा दिया हाथी को, जो रास्ते में आया उसी को मिटाया, और रास्ता बनता चला गया। भगवान गए, हाथी का दांत निकाला कृष्ण ने, और एक दांत निकाला बलराम ने, दोनों ने कंधे पे रखा, शरीर लहू से सन रहा है। क्या झांकी है ठाकुर की, बड़ी बूढ़ी देखती है, क्योंकि राजा के पास जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना है। बड़ी बूढ़ी देखती है तो कैसे लग रहे हैं, नगर के लोग देखते हैं तो कैसे लग रहे हैं, जब नगर के लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है हमारी आंखों को इनसे सुख मिल रहा है, हमारी आंखों के आगे बने रहे। बड़ी बूढ़ी देख रही है तो कैसे हमारे पुत्र हैं, कुमारी कन्याएं देख रही हैं, काश हमारा पति ऐसा ही हो, यही हमारे पति। कुमारी कन्याएं पति के रूप में देखती हैं, बड़ी बूढ़ी उनको बालक के रूप में देखती हैं, राक्षस उनको जिनकी मृत्यु आई है वो काल के रूप में देखते हैं, और हमारा दुष्ट लोग उनको भयंकर रूप में देखते हैं। पुरवासिन देखे दो भाई, पुरवासिन प्रभु प्रकट काल सम देखा, रहे असुर छल छोड़ कबेखा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा, तिन कह रही भाव राजे सी, प्रभु बोलत सामने देखते देखते कुवलिया पीढ़ हाथी, जिसको 10,000 हाथियों का बल समार दिया, लड़ो हमसे।
भगवान ने कहा सुनो भैया वैसे तो हम किसी से लड़ते नहीं, लेकिन कोई आ जाने लड़ो 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 तो हम हैं ब्रजवासी, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी, रण में हमें प्रचारे कोई लड़ाई सुखी निकाल के न होई, रण में हमें प्रचारे कोई लड़ाई सुखी निकाल के न होई। पहले मारने को जाने लगे, भगवान ने कहा नाम पूछ लो एक एक का, मरने के बाद कौन बताएगा किसको मारा, नाम पूछे सल कौशल मुष्टिक चाणूर फूट एक एक करके सबको समाप्त किया।